हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलाइंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हम 10 जुलाई यानी फर्स्ट सेप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा का जो एनालिसिस होने वाला है। प्यारे साथियों, आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। और प्यारे साथियों, आपको घबराना नहीं है, आपको हमेशा अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। जब तक आपके पेपर खत्म ना हो जाए, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। प्यारे साथियों, लेके चलता हूं मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा है किस नक्षत्र में 5 तारा हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा यह रोहिणी। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में 5 तारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे साथियों, आप अपना आंसर देख सकते हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर दोनों इसमें मैंने समाहित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने चुना है बृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री हिमालय, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा थी, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो यह पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेल की अवधि का जो समय होता है वो कितना होता है? अगर आपने चुना है 60 मिनट, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्या साथियों, इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियम के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि जो होती है वो 60 मिनट की होती है, और 2019 से पहले जो है इसकी अवधि 70 मिनट रहती थी। ठीक है, कब? 2019 से पहले की अगर हम बात करें, लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें, तो इसकी जो समय अवधि रहती थी वो 70 मिनट की रहती थी। प्यारे साथियों, देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आपसे पूछा है कि मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था, किसने किया था? तो आपका जो जवाब होगा, अगर आपने चुना है, देखिए अकबर, ठीक है, अगर आपने अकबर चुना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, इसमें थोड़ा सा देखिए चर्चा कर लेते हैं कि मनसब प्रथा जो है, मनसब की जो प्रथा है, इसका आरंभ सबसे पहले अकबर ने किया था, वो यह जो है 1575 में इसका आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। प्यारे साथी, देखिए मनसबदारी प्रणाली जो है वो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ठीक है, जिसको किसने शुरू कराया था? तो आप बोलेंगे अकबर ने शुरू कराया था। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किस राज्य में दुर्गा पूजा मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर दुर्गा पूजा को जो है मतलब काफी राज्यों में मनाया जाता है। इसमें जो है ना ऑप्शन नहीं मिल पाए, तो मैंने दुर्गा पूजा जहां जहां जिस राज्य में मनाई जाती है उस राज्यों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो इसमें ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीन राज्य ऐसे होंगे जो जिसमें दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती और एक राज्य में मनाई जाती है। अगर आपका उसमें गुजरात रहा हो, ठीक है, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, ठीक है, अगर इनमें से कोई एक है तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है नवरात्रि के रूप में कुल्लू, ठीक है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू दशहरा जो है मैसूर कर्नाटक में, और जो आपका तमिलनाडु में है बोम्बई गोलू, ठीक है, बोम्बई गोलू, और आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलू, ठीक है, बोमाला कोलबू के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या? बोमाला कोलबू के रूप में यह जो पर्व है आपका मनाया जाता है, कौन सा? दुर्गा पूजा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे एक बार पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? अगर आपने चुना है 1993, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है, NHRC, इसका जो गठन हुआ था, यह जो गठित हुई थी, यह 12 अक्टूबर कब? 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसके बारे में देखिए, हम मुझे
जो है आपके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। इसके बारे में देखिए मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह में, ठीक है, अश्विन माह में वर्ष का जो सातवां महीना होता है, ठीक है, वर्ष का सातवां महीना जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर से अक्टूबर महीने में आता है, ठीक है। इस महीने को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस माह में पितृ वृक्ष, ठीक है, पितृ वृक्ष के साथ साथ जो है साथ ही शारदीय नवरात्र और दशहरा का पर्व मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों आपका जो है इसमें अगर आपका दशहरा दिया होगा या नवरात्र दिया होगा तो यहाँ पर आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो रुक्मिणी देवी, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है अगर आपने चुराया, ठीक है, भरतनाट्यम, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है, 21 का ए जोड़ा गया है, तो किस मतलब संशोधन में जोड़ा गया है, इसको बोल सकते हैं द कॉन्स्टेंट अपेटमेंट, ठीक है, द कॉन्स्टेंट अपेटमेंट आपसे पूछा है तो आप बोलेंगे 86वें संविधान संशोधन यानी कि 2002 में यह संशोधन के तहत जोड़ा गया है, कौन सा, 21 का ए, ठीक है, 21 का ए बात करेंगे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें जो 21 के ए में है क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के लिए शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, शिक्षा का प्रावधान कि हर एक बच्चा जो है मतलब जो पढ़ाई से वंचित रह जाता है उसे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच जो उसकी आयु है उसको शिक्षा का प्रावधान दिया गया, किस आर्टिकल में, आप बोलेंगे 21 के ए में, ठीक है, 21 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपका आपसे पूछा है कि इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के विजेता कौन है, इसको हम बोलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के जो विजेता हैं, आप बोलेंगे मोहन बागान सुपर जायंट्स, ठीक है, मोहन बागान सुपर जायंट, ठीक है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपसे पूछा है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को नहीं दिया जाता, तो आप बोलेंगे अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षण, तो यह जो है इसके यह जो आपके अधिकार हैं ये आपके मौलिक अधिकार है और यह विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्यारे साथियों। कुछ आर्टिकल मैंने इसमें समाहित किए हैं, आर्टिकल देखिए आपका 15, 16, 19, 29 और 30 में जो है यह क्या है, यह मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं और यह केवल अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए जो है और ना कि विदेशियों के लिए, विदेशियों के लिए यह कोई अभी अधिकार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपका होने वाला है, आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, आपको याद करना होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर जो है आप बोलेंगे हमने जो है मेजर ध्यानचंद जी चुना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए, यह क्वेश्चन आपसे जो है और भी पूछा जा सकता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, देखिए अगर डेट अगर मैं पूछ लूं तो डेट जो है अगर आपसे पूछ ली जाएगी हमें तो आप डेट भी बता देंगे कि यह 29 अगस्त को जो है त्योहार मनाया जाता है या जो है मतलब पर्व मनाया जाता है या आपसे कह दे कि जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है, आप बोलेंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और आपका जो सिलेक्शन होगा वो कोई नहीं रखेगा और आपके सिलेक्शन पर लोकपाल जो है आपके लिए कहेंगे कि हाँ था कोई जो इतना पढ़ता था और सिलेक्शन ले गया, हाथ से छीन के दे गया, मुंह से निवाला छीन के दे गया। तो प्यारे साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद जय भारत।